अंदर आओ ऋषभ। अच्छा तो पूरी तैयारी के साथ हवा बोला है क्या? क्या कहा तुमने, मैं समझी नहीं। ऑब्वियसली अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी समझ को ढाल लेना, ये तुम जैसे लोगों का पहला कदम होता है। प्लीज ऋषभ मेरी तरफ देख के बोलो, शायद मुझे समझ में आ जाए तुम क्या कहना चाह रहे हो। वैसे मैं हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हूँ, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम कैसे मालूम है तुम्हें? मतलब यहाँ आने से पहले हम सब का कच्चा चिट्ठा पढ़ के आई हो। तुम्हारे बारे में मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ। Really? हाँ, पापा ने कितने फोटोग्राफ दिखाए हैं तुम्हारे, कितनी बातें बताई हैं तुम्हारे बारे में, और जानते हो पापा तो एक मिनट, ये जो तुम बार बार पापा पापा कह रही हो, कहीं तुम्हारा इशारा मिस्टर केशव मल्होत्रा की तरफ तो नहीं है? ऑफकोर्स ऋषभ, ये बड़ा अजीब सवाल किया तुमने। अजीब सवाल नहीं है मिस गायत्री, व्हाटएवर, अजीब ये है कि मेरे ही सामने मेरे बाप को बार बार तुम पापा कह रही हो। अजीब यह है कि तुम्हें इसमें कुछ अजीब नजर नहीं आ रहा। अजीब यह है कि कितनी बेशर्मी से तुम। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम नॉट मिस गायत्री व्हाटएवर, यू लाइक इट और नॉट, मैं गायत्री मल्होत्रा हूं। एंड सेकंडली, तुम्हें अपने पिता पर शर्म आती है? मुझे अपने पापा पर नाज था, नाज है और हमेशा रहेगा। एक दिल पे एक आशिक का नाम था मिस्टर केशव मल्होत्रा, जिसने किसी औरत के साथ चंद घंटे गुजारने की कीमत 150 करोड़ रुपए दी है। तुम जैसे लोगों को उन पर नाज तो होगा ही। और कुछ बोलो ऋषभ, मैं सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि पापा ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया था कितना गलत था, और ये भी देखना चाहती हूँ कि तुमने अपने पिता को कितना गलत समझा है। एक दिलफेक आदमी, इज दैट व्हाट यू थिंक योर फादर वाज? एक दिलफेक आदमी, एक कैंसर से मरती हुई औरत, दैट्स माय मदर, उसके सिरहाने बैठकर आंसू नहीं बहाता ऋषभ। तुम जानते हो मम्मी पापा के रोमांस के दौरान उनकी ज्यादातर मुलाकातें हॉस्पिटल में हुई थी। बस मैं, मुझे तुम्हारी ये कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Don't hear this crap. तुम्हें सुनना पड़ेगा ऋषभ, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पिता किस किस्म के इंसान थे। तुम मामूली आदमी नहीं थे ऋषभ। उनकी मम्मी से मुलाकात हुई एंड दे फेल इन लव, और फिर मम्मी को अपने कैंसर का पता चला। वो पापा को ये दुख नहीं देना चाहती थी तो वो भाग गई पापा की दुनिया से, और जब मौत नजदीक आई तब कांटेक्ट किया पापा को। पापा ने खुद इटली में आके मम्मी को बरी किया, और जब उसके बाद मुझे गले लगाया तब मम्मी के जाने का दुख कुछ कम हुआ। आज जब तुम्हें दरवाजे पे देखा तो मैं समझी तुम भी पापा की तरह मुझे सहारा देने आए हो। What a fabulous sob story, Miss Gayatri. कमाल का टुकड़ा है। अक्सर जब लोग अपने नाजायज रिश्तों की सफाई देते हैं तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे कई नाजायज रिश्ते मैं झेल चुका हूं। अरे दौर गुजर गया मेरी जिंदगी का ऐसे ही नाजायज रिश्ते झेलते झेलते, बट नॉट एनी मोर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आए क्यों हो यहां पर? वो जो इंसान है जिसे तुम बार बार पापा पापा कह रही हो, मिस्टर केशव मल्होत्रा, उनकी कंपनी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई, और उसी कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें जो फ्री फंड में 150 करोड़ रुपए मिले ना, वो मुझे चाहिए। पापा ने तुम्हारे बारे में दो बातें बिल्कुल सही बताई थी। तुम अपनी इनसिक्योरिटी और इंपल्सिवनेस में भूल जाते हो कौन सी बात कैसी करनी चाहिए और किससे क्या कहना है, होश ही नहीं रहता। अब देखो ना, अभी तुम मुझ पर नाजायज होने का आरोप लगा रहे थे, और अब मुझसे ही 150 करोड़ की भीख मांग रहे हो। गायत्री, तुम्हें तो भीख मांगना भी नहीं आता, नाजायज। Shut up, you!